मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास सेवेंथ। देखिए, ये आपका थर्ड चैप्टर है प्रोनाउंस, ए डिटेल्ड स्टडी। तो प्रोनाउंस, आखिर प्रोनाउंस किसे कहते हैं? तो प्रोनाउंस आर वर्ड्स दैट रिप्लेस नाउंस। प्रोनाउन वे शब्द होते हैं जो नाउन के स्थान पर यूज होते हैं, ठीक है ना? तो दोज वर्ड्स, दूसरी भाषा में कह सकते हैं, दूसरी तरह से हम, दोज वर्ड्स विच आर यूज एट द प्लेस ऑफ नाउन्स आर कॉल्ड प्रोनाउन। ये आपकी डेफिनेशन हो गई, वे शब्द जो नाउन के स्थान पर यूज होते हैं। और इसका जो मेन फंक्शन होता है, ये प्रोनाउन का जो आता है वो नाउन को, नाउन के रिपीटेशन को फिनिश करना होता है, ठीक है? तो प्रोनाउन वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं, वे शब्द प्रोनाउन कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। प्रोनाउन मीन सर्वनाम, ठीक है? तो प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? आई, मी, शी, वी, दे, हु, दैट, योर्स, हिज, हर, एट्सेट्रा, ठीक है? शी इज शी और हर, देम और दे, इट, शी हो गया प्रोनाउन, ठीक है? हर भी प्रोनाउन हो गया, देम भी प्रोनाउन हो गया, दे भी प्रोनाउन हो गया, इट भी प्रोनाउन हो गया। तो ये देखिए, तो इसमें देर आर सिक्स काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। तो इसमें, इसके हम ब्रीफली स्टडी करेंगे। फर्स्ट देखिए पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? देखिए, इसकी पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं आखिर, ठीक है? तो इसको पर्सनल प्रोनाउन जो होता है, पर्सनल प्रोनाउन आर दोज प्रोनाउन्स विच स्टैंड फॉर वाट आर कॉल्ड थ्री पर्सन्स इन इंग्लिश ग्रामर। तो थ्री पर्सन्स के लिए ये यूज होता है पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है? तो पर्सनल प्रोनाउन में आई, मी, वी, अस, यू, ही, हिम, शी, एटसेट्रा आते हैं, ठीक है? तो पर्सनल प्रोनाउन देखो, सिंगुलर में तो आता है आई, उसका प्लूरल हो जाता है वी, और सिंगुलर में आता है यू, उसका पर्सनल हो जाता है यू, और फिर सिंगुलर में ही, शी, इट, इसका प्लूरल हो जाता है दे। तो फर्स्ट पर्सन में दोबारा बता देता हूँ, देखो वन टू थ्री ध्यान रखिए। फर्स्ट पर्सन वन, जिसका सिंगुलर आई, प्लूरल वी। सेकंड पर्सन में यू, जिसका टू कहते हैं, यू का यू। थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, ठीक है, जिसको थ्री नंबर देंगे, और प्लूरल में आ जाएगा दे। तो देखिए, नेम्स ऑफ एनिमल्स टेकन इन जनरल आर यूजली ट्रीटेड एज न्यूट्रल नाउन्स एंड आर रेफर्ड टू बाई इट। तो ये इट, इसके न्यूट्रल नाउन के लिए इट यूज होता है। द कैमल हैज इट्स हम्प ऑन इट्स बैक। सेकेंड देखिए, वेन द सेक्स ऑफ एन एनिमल इज नॉट स्पेसिफाइड, जब एनिमल का कोई सेक्स स्पेसिफाइड नहीं होता, इट इज रेफर टू बाई द मैस्कुलिन प्रोनाउन। तो मैस्कुलिन प्रोनाउन रखा जाता है ये, ठीक है? जैसे वी शो ए लॉयन एट द डिस्टेंस, ही वॉज स्ट्रिंग एट अस विद ए स्टडी गेज। तो देखिए, वी सो ए लॉयन, अब देखिए जब कोई लॉयन खड़ा है तो वह लॉयन है या लॉयनेस हमें नहीं पता। हम तो अगर लॉयनेस भी होगी तब भी उसको लॉयन कहेंगे, और लॉयन होगा तब भी उसको लॉयन कहेंगे। तो उसको हम सेक्स उसका नहीं पहचान पा रहे, ठीक है ना? अगर दूर खड़ा है तो वी आर, तो अब देखिए ऐसी थर्ड उसमें देखिए, वेन द सेक्स इज थॉट ऑफ और स्पेसिफाइड, और वेन द वर्ड डिनोट सेक्स, द एप्रोप्रिएट प्रोनाउन मैस्कुलिन और प्रोनाउन इज यूज। तो वी सॉ ए लॉयनेस इन द फॉरेस्ट, जब उसको सेक्स उसका पहचान लेंगे, ठीक है, तो उसको तो लॉयनेस ही कहेंगे। अब जैसे वी क्यों आया है, वी सॉ द लॉयनेस इन द फॉरेस्ट, देयर वर फाइव कप्स नियर हर। तो कप्स भी हैं, जिस कप्स हैं ये तो प्लूरल में या फेमिनाइन में, इस मतलब या तो मैस्कुलिन या फेमिनिन, कोई हमें पता नहीं है, लेकिन कप्स ही कहेंगे। चाहे तो वो शेरनी के, जो शेरनी के बच्चे हैं वो या तो शेरनी बने या शेर बने, ठीक है? अब देखिए वी सॉ, अब वी जो है लड़के एंड लड़की, मतलब मेल और फीमेल अगर दोनों हैं और दोनों ही खड़े हैं तो वो अपने लिए वी ही कहेंगे, ठीक है ना? तो नेम द लाइफलेस ऑब्जेक्ट आर कॉमनली न्यूटर, बट नाउंस डिनोटिंग कार्स, लोकोमोटिव, शिप्स, एयरक्राफ्ट, एट सी, एटसेट्रा आर ऑफन रेफर टू बाई ए फेमिनाइन प्रोनाउन। अब देखिए, जैसे ये है कार है, लोकोमोटिव है, शिप्स है, एयरक्राफ्ट है, इसके लिए ये न्यूटर में यूज होंगे। इज द बॉम्बे ट्रेन लेट टूडे, तो क्या आज बॉम्बे ट्रेन लेट है? तो यस, शी इज, वह है, ठीक है? अब देखिए द आई एस एस, ठीक है, जलधारा अराइव्ड इन पोस्ट द मॉर्निंग, शी हैज बॉट कार्गो इन द राइस ऑफ बर्मा, ठीक है? तो इस टाइम में भी इसको ये कह सकते हैं हम, ठीक है, शी के लिए।
तो इसमें भी इसी टाइम में ये सब दिया है आपका, यू एंड आई विल हैव टू डू द वर्क, ठीक है, ही एंड आई आर वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट, यू एंड ही आर बोथ, ये यू आई यू ही, ये आपके क्या है हर, ये सब आपके प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। तो पर्सनल प्रोनाउन में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों आते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट में क्या आता है, आई और वी, आई सिंगुलर वी प्लूरल, यू सिंगुलर यू प्लूरल, ही शी इट प्लूरल सिंगुलर और दे प्लूरल, ठीक है। अब देखिए ये इसमें ये आ गया आपका, और ये आता है सेकंड पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। क्या आता है, पजेसिव प्रोनाउन। तो पजेसिव प्रोनाउन, दिस प्रोनाउन डिनोट्स पजेशन एनीथिंग, ये किसी पर पजेशन यूज करते हैं, ठीक है, अपना अधिकार दर्शाते हैं। स्टडी द पजेसिव फॉर्म इन द सेकंड एंड थर्ड कॉलम ऑफ द पर्सनल प्रोनाउन इन द फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो देखिए आई का माई और माइन, ठीक है, वी का ओवर अस, यू का योर और योर्स, और ही का हिज और हिज, शी का हर हर्स, दे का देयर देयर्स, और इट का इट्स। द फॉर्म्स माई ओवर योर हिज हर इट्स एंड देयर डिटरमिनर्स, दे आर ऑल्सो कॉल्ड पजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। ये आपके पजेसिव एडजेक्टिव है, ये आपके पजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है ना। तो द फॉर्म इन द थर्ड कॉलम फंक्शन लाइक प्रोनाउन आर कॉल्ड पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। अब देखिए ये पजेसिव प्रोनाउन है आपके, ये वाले, ये पजेसिव एडजेक्टिव है। प्लीज लेंड मी योर पेन, माइन हैज नो इंक इन इट, माइन हियर्स मीन्स माई पेन, ठीक है। तो ये पजेसिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल हो गया। दिस इज मिस्टर गोविंद हाउस, ओवर इज एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट, ठीक है। तो ये पैसिव प्रोनाउन का हो गया। इट इज माई टर्न नाउ, योर इज ओवर, ये पैसिव प्रोनाउन का हो गया। अब देखिए ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। अब थर्ड आता है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, इसके लिए हम आपको सेकेंड वीडियो में कराएंगे। ये आपका यहाँ तक आपका क्लियर हो गया, ये आपका प्रोनाउंस के बारे में आपको बताया मैंने, और पर्सनल प्रोनाउन और पजेसिव प्रोनाउन के बारे में आपको बता दिया, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नेक्स्ट वीडियो में आपको बता